कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर एक मशीन, एक डिवाइस जो क्या करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा, वी को मेजर करेगा, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है वोल्टमीटर की, या गैल्वेनोमीटर तो बहुत लो करंट मेजर करता ही है, वोल्टमीटर कैसे काम करता है। मान लो एक मिनट के लिए आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू नहीं पता, इसमें करंट आ रहा है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, और मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस का। तो ये क्वेश्चन में पहले भी सॉल्व किया था बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, पर अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग वोल्टमीटर। अब मेरे को यहाँ वी कैलकुलेट करना है। अब जो भी वोल्टमीटर होगा वो इसके साथ किस में लगेगा, पैरेलल में, ताकि मैं वोल्टमीटर का वी कैलकुलेट करूँ, इसका वी एग्जैक्टली सेम आ जाए। तो मैं क्या करूँगा इसमें, इसके अंदर हम यहाँ पर वोल्टमीटर में कैसे काम करते हैं, गैल्वेनोमीटर लेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ बहुत हाई रेजिस्टेंस, अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, ये आर इंपॉर्टेंट है, आर इज वेरी हाई। तो बहुत हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देंगे गैल्वेनोमीटर के साथ। आप कहेंगे वो कैसे काम करेगा, देखो अगर मैं इसे यहां फर्दर कनेक्ट कर दूं, क्या फायदा हुआ, जो भी यहां से आई करंट आया होगा, मुझे पता नहीं कितना आया, आई करंट में से ये बहुत हाई रेजिस्टेंस है, बहुत हाई, तो ज्यादातर करंट किसमें से पास होगा, नीचे, और मैं चाहता भी हूं नीचे से हो, क्यों, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज होगी वो आई इंटू इसकी रेजिस्टेंस। अगर मैं इसका करंट ही इसमें पास करवा दूंगा फिर इसकी वोल्टेज तो कम ही आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं इसका करंट यूज नहीं करना चाहता, या बहुत कम यूज करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको बहुत हाई कर दिया ताकि आई में से सारा मैक्सिमम करंट इसी में से पास हो, हल्का सा करंट यहां से चला जाए, कितना करंट, उतना करंट जो कौन मेजर कर पाए, गैल्वेनोमीटर। तो आई जी इस ब्रांच का करंट कौन मेजर कर देगा, गैल्वेनोमीटर। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई जी इंटू आर प्लस आई जी इंटू जी। तो अगर मैंने ये वी निकाल दिया ऊपर, तो ऑब्वियसली नीचे भी वी क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम। तो ये तो किसी काम का है ही नहीं, तो इसको बॉक्स में डाल लेना, इसको क्या नाम दे देंगे, वोल्टमीटर। तो आप अगर ये चेक करें, ये देखो वोल्टमीटर के अंदर ये डायग्राम है, ये वोल्टमीटर है बॉक्स वाला। तो वोल्टमीटर क्या चीज है, तो वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। हाई रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि इसको बहुत हाई रेजिस्टेंस का सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो वोल्टमीटर की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, आर प्लस जी। तो हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और कैसे कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस आर इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस आर को सीरीज में लगा देते हैं, इसका नाम है वोल्टमीटर। अब डायग्राम वही है, आई करंट आया, आई जी ये मेजर कर देगा, इसमें आई माइनस आई जी, तो वी की वैल्यू इसमें क्या होगी, वी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर। तो यहां से वी की वैल्यू आ गई। और कभी कभी वो आपको आर की वैल्यू पूछता है कि कितनी रेजिस्टेंस आपने सीरीज में लगाई, तो यहां से सॉल्व करके आर एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, तो ये फॉर्मूला आएगा किसका, आर का। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो आर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक फॉर्मूले के तौर पे काम आएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टमीटर की क्या होगी, जी प्लस आर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे कन्वर्जन होगा। और इसमें क्वेश्चन आता है कि हम जो जब वोल्टमीटर बनाते हैं तो उसमें हाई रेजिस्टेंस आर को क्यों कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो क्यों करते हैं, ताकि इसमें से मिनिमम करंट पास हो, ताकि गैल्वेनोमीटर इसे मेजर कर पाए, ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस, इवन आइडल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बोली जाती है इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट का मतलब बहुत हाई, ताकि इसका मिनिमम करंट को हम यूज कर सकें।